I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. FIFA World Cup 2022 अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और क्वार्टर फाइनल के मैच आज से शुरू होने वाले हैं। पहला मैच ब्राजील और क्रोएशिया के बीच होगा और ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन ब्राजील इस मैच में अपर हैंड में दिख रही है। आइए जानते हैं इस मैच के प्रीव्यू और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ये तीसरी बार होगा जब ब्राजील और क्रोएशिया वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने होंगे। पहले भी दोनों टीम दो वर्ल्ड कप में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी है, लेकिन नॉकआउट में पहली बार ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने होंगी। इससे पहले 2006 में 1-0 से 2014 में 3-1 से ब्राजील ने जीत हासिल की थी। वैसे इस बार क्रोएशिया की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मार्सेलो ब्रोजोविक क्रोएशिया के लिए मिडफील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ब्रोजोविक के पास पिच के हर कॉर्नर कवर करने की एबिलिटी है। ब्रोजोविक को कोवैकिक और मॉड्रिक से फायदा भी होता है क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर बॉल को अपने पास रखने में एक्सपर्ट हैं। अब बात करें अगर ब्राजील की, तो ब्राजील में सबकी नजर नेमार पर होगी, लेकिन ब्राजील के लिए रिचर्लिसन इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि रिचर्लिसन की फिनिशिंग कमाल की है और वर्ल्ड कप में कई बार रिचर्लिसन ने इसका एग्जांपल भी दिया है। क्रोएशिया के मिडफील्ड का पूरा ध्यान नेमार को रोकने में होगा और ऐसे में रिचर्लिसन को अटैक करने का पूरा चांस मिलेगा। अगर बात करें मैच टाइमिंग की, तो ये मैच 9 दिसंबर को 8:30 से शुरू हो जाएगा, जो कि अल रयान के एडुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ISL आई लीग के वर्ल्ड कप के सारे अपडेट्स मिले सबसे पहले तुमको। और अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me.